जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों। एक बार फिर यूपी की एक अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूं। आपने कट ऑफ तो बहुत सारे देखी होगी, लेकिन ये कट ऑफ जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, ये फिजिकल से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ रहने वाली है। जी हां दोस्तों, फिजिकल की आपकी अलग से कट ऑफ रहती है, मेडिकल की कट ऑफ अलग रहती है और फाइनल मेरिट लिस्ट अलग रहती है। तीनों कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि फिजिकल में कितने नंबर तक आप लोगों को, कितने नंबर तक आप लोगों के रिटर्न एग्जाम में बढ़ रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए आप लोगों की कट ऑफ कितने नंबर तक रहेगी, उसके साथ ही फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की कितनी रहने वाली है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, जानकारी को एक बार अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो यहां पर बात करेंगे सबसे पहले वाली कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले आपकी जो कट ऑफ आती है वो फिजिकल की कट ऑफ आती है, और ये जो कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद की कट ऑफ है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का स्कोर बढ़ने वाला है। बिल्कुल यूपी स्टेट की बात करते हैं, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। फिजिकल की कट ऑफ है, एक बार आप देख लीजिएगा, ये फिजिकल की कट ऑफ है। इतने नंबर आपके बन रहे तो आपको 100% फिजिकल के लिए तो बुलाया ही जाएगा, मतलब फिजिकल की भी तैयारी आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर है वो 96+ अगर आपका बन रहा है तो बिल्कुल आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर 94+ जा रहा है तो आप भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर एससी की बात करें तो 90+ अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 88+ स्कोर आपका बन रहा है तो आपको 100% फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और ये आप ही के द्वारा कमेंट किए गए नंबरों और आंकड़ों के आधार पर सही और सटीक कट ऑफ बनाई गई है। इसके आसपास ही आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलने वाले काफी बच्चे कमेंट भी करेंगे कि सर इतनी हाई कट ऑफ क्यों जाएगी, लेकिन जो सच्चाई आप लोगों के सामने वो सच्चाई लेके आया हूं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास में बहुत सारे रिक्रूटमेंट आए हुए, अगर इनसे कम नंबर आप लोगों के बन रहे तो आपको अदर रिक्रूटमेंट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर है वो 90+ बन रहा है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट, अगर आपका स्कोर 88+ बन रहा है तो आपको भी फिजिकल के लिए तैयार रहना है। एससी कैटेगरी की बात करें, 82+ अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आपको भी फिजिकल के लिए तैयार रहना है। एसटी कैटेगरी, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, 80+ अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कट ऑफ आप लोगों की फिजिकल की है, इसके बाद में जो सेकंड कट ऑफ रहती है वो रहती है आप लोगों की मेडिकल की कट ऑफ, और मेडिकल में कितने नंबर तक आपके हैं तो आपको मेडिकल के लिए भी 100% बुलाया जाएगा। आपको फिजिकल और मेडिकल के लिए जरूर जाना है, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल आप करके आओगे तो उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि आखिर कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे मेडिकल में। तो यहां पर बात करेंगे मेडिकल की कट ऑफ के बारे में यूपी स्टेट की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल कैंडिडेट है, अगर आपका स्कोर 105+ बन रहा है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा भाई। दूसरी चीज, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप फिजिकल पास है, आपके 102+ स्कोर बन रहा है तो आपको मेडिकल के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 96+ अगर आपका स्कोर बन रहा है, बिल्कुल आप भी मेडिकल के लिए तैयार रहना। यहां पर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, 92+ स्कोर बन रहा है तो आपको भी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट की भी बात करेंगे यूपी स्टेट की। फीमेल की बात करें, जनरल कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 95+ बन रहा है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है फीमेल और आपका स्कोर 93+ बन रहा है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप मेडिकल के लिए बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। एससी कैटेगरी में 88+ स्कोर बन रहा है फीमेल का, मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। एसटी कैटेगरी से अगर बात करें फीमेल की, तो अगर आपका स्कोर 85+ से जा रहा है तो आपको 100% मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहां तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें फाइनली मेरिट लिस्ट तक पहुंचना होता है, और मेडिकल में जो बच्चे पास होंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन किन का होगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आप मेल कैंडिडेट, अगर आपका स्कोर 112+ बन रहा है तो बिल्कुल आप अपने आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार रखना, फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, 110+ अगर आपका स्कोर बन रहा है, अगर आप मेल कैंडिडेट, अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ यहां पर मान सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सारी कैटेगरियों के बारे में डिटेल से, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका स्कोर 105+ जा रहा है
तो बिल्कुल आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर 102 प्लस जा रहा है तो बिल्कुल आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा यहां पर। अगर ओबीसी की बात करें, सॉरी फीमेल की बात करें, जनरल कैटेगरी से, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम आपको 108 का स्कोर तो करना ही पड़ेगा। वही बात करते हैं ओबीसी की, फीमेल की 105 प्लस अगर आप स्कोर बना पा रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसएससी जीडी की 2023 में फाइनल सिलेक्शन के लिए एससी कैटेगरी 100 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से 100 प्लस स्कोर बन रहा है तो भी आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ये फाइनल कट ऑफ तक के सारे आंकड़े हैं दोस्तों, और ये आंकड़े जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये अनुमानित और एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं। इसी के आसपास आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अगर इससे आपको इससे भी आपके काफी कम नंबर है तो आपको दूसरे एग्जामों की भी तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट आए हुए हैं और अभी आप लोगों को थक कर बैठना नहीं है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। अगर आप एसएससी जीडी के अलावा सीआई सब ट्रेड्समैन हेड कॉन्स्टेबल एसएसबी ट्रेडमैन की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे के सारे कोर्सेज पर भारी ऑफर चल रहा है, वो भी 299 रुपए में आल सब्जेक्ट की क्लास में पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्ले स्टोर पर जाकर बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही एसएससी जीडी में आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।